नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड 19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र आज रात 9 दिए जलाकर कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए सामूहिक एकता का परिचय देगा। बिजली मंत्रालय ने कहा, दिए जलाने के दौरान ग्रिड की स्थिरता के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए। सरकार ने लोगों से घरों से बाहर निकलते समय घर में बने मास्क का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। केंद्र ने 50 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों को कोविड 19 की निशुल्क जांच और इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के दायरे में शामिल किया। सरकार ने घरेलू आवश्यकता को देखते हुए स्वास्थ्य जांच किट के निर्यात पर रोक लगाई और कोविड 19 के खतरे के आकलन के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड किया। इस विशेष कार्यक्रम में मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशवासी आज रात 9:09 के लिए अपने घरों की बत्तियां बंद करेंगे और दिए, मोमबत्ती जलाकर या मोबाइल फ्लैश की लाइट के जरिए कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए सामूहिक शक्ति का परिचय देंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम प्रकाश की महाशक्ति का अनुभव करते हुए उस साझा उद्देश्य को हमें प्रकाशवान करना है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से उपजे अंधकार से निकलते हुए हमें निरंतर प्रकाश और आशा की ओर बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण हम अपने घरों तक सीमित हैं, लेकिन हम में से कोई भी अकेला नहीं है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को देशवासियों से अपील की थी कि वे अपने घरों के बाहर दिए और मोमबत्ती जलाएं। रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि दिए जलाते समय एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, घर के भीतर ही रहें और समूह में एकत्रित न हों। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है, रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से देशवासियों ने पिछले महीने की 22 तारीख को कोविड 19 के खिलाफ लड़ रहे लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया था, वो दूसरे देशों के लिए उदाहरण बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता कर्फ्यू और घंटी बजाने से इस चुनौतीपूर्ण समय में देशवासियों को अपनी एकता का आभास हुआ है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि आज रात दिए और मोमबत्ती जलाते समय अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग न करें क्योंकि ये ज्वलनशील होता है। बिजली मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आज रात 9 बजे घरों की बत्तियां बंद होने के दौरान ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के सभी प्रबंध किए गए हैं। बिजली मंत्रालय का ये स्पष्टीकरण इन अटकलों को देखते हुए आया है कि बत्तियां बंद करने के दौरान ग्रिड में अस्थिरता आ सकती है और बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है। मंत्रालय ने कहा कि देश के बिजली ग्रिड बहुत मजबूत और स्थिर हैं। मंत्रालय ने बताया, प्रधानमंत्री ने आज शाम 9 बजे से लेकर 9:09 तक घरों में केवल बत्तियां बंद करने की अपील की है। सड़कों, गलियों की बत्तियां या कंप्यूटर, टेलीविजन, पंखे और फ्रिज जैसे घरेलू बिजली उपकरण बंद करने के लिए नहीं कहा गया है।
मंत्रालय ने कहा है कि अस्पताल और अन्य आवश्यक सेवा जैसे जन सुविधाओं, नगर पालिका सुविधाओं, कार्यालयों, थानों और विनिर्माण संस्थानों की बत्तियां जली रहेंगी। मंत्रालय ने सभी स्थानीय निकायों से जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़कों की बत्तियां जलाए रखने को कहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने भी राज्य के लोगों का आह्वान किया है कि आज रात 9 बजे दिए जलाकर तमसो मां ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीकात्मक संदेश दें। उन्होंने कहा कि दिया जलाना कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश की एकजुटता का परिचायक है। श्री येडियुरप्पा ने लोगों को सलाह दी कि दिए जलाते समय सामाजिक दूरी का पूरा पालन करें। इस बीच कर्नाटक बिजली निगम ने स्पष्ट किया है कि आज रात बत्तियां बंद करते समय फ्रिज, पंखे तथा अन्य बिजली उपकरण बंद न करें। निगम ने लोगों को आश्वस्त किया है कि बत्ती बंद रखने के दौरान ग्रिड सही रखने के सभी प्रबंध किए गए हैं। देश में अब तक कोरोना वायरस के 3072 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 212 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 75 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि विदेशों के मुकाबले देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम है। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों में 9% लोग 0 से 20 वर्ष की आयु के हैं, 21 से 40 वर्ष तक की आयु के लोगों की संख्या 42% है, 41 से 60 वर्ष तक की आयु के लोगों की संख्या 33%, जबकि कुल मामलों में 17% लोगों की आयु 60 वर्ष से अधिक है। अगर हम देखें तो हमारे देश में जो केसेस का डबलिंग रेट है वो बाकी अधिकांश देशों के मुकाबले काफी कम है। लेकिन इसके साथ ही जो एक मुख्य इश्यू फिर मैं आप सबकी दृष्टि में लाना चाहूंगा कि हम एक कम्युनिकेबल डिजीज, एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। हमारी हर दिन की बैटल है। हम आज अगर सक्सेसफुल हैं, कल अगर कहीं पर भी कोई भी चूक होती है तो हम फिर से पुरानी परिस्थिति में आ सकते हैं, फिर से हम सक्सेस से नॉट सक्सेसफुल की कैटेगरी में आ सकते हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि 17 राज्यों में तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना वायरस के 1023 पुष्ट मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, असम, झारखंड और कर्नाटक शामिल हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें से 30% तबलीगी जमात से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई सहित सभी आवश्यक साजो सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी का सामना करने के लिए ये आवश्यक है कि सभी स्तरों पर लॉकडाउन, सामाजिक दूरी और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता संतोषजनक है। एक मैसिव एफर्ट के थ्रू लगभग 22,000 वर्कर्स और उनके कॉन्टैक्ट्स को आज की डेट में क्वारंटाइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन कोष के तहत 11,092 करोड़ रुपए की पहली किस्त शुक्रवार को जारी कर दी गई। उन्होंने बताया कि तबलीगी जमात से जुड़े लगभग 22,000 लोगों और उनके संबंधियों को क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर दुख व्यक्त किया और लोगों से इन कर्मियों के काम में बाधा न डालने का आग्रह किया। डॉ हर्षवर्धन ने कल दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल प्रशासन और स्वच्छता कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोगियों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए ये लोग बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं। एनएसए के कानून के अंतर्गत ऐसे लोग जो हमारे डॉक्टर्स को या हमारे हेल्थ सिस्टम के साथियों को जो कि कोरोना वायरस वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, अगर कोई भी टारगेट करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून इस्तेमाल किया जाएगा। इसका देश के गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है और मेरा देश में समाज के लोगों से ये अपील है कि आप किसी भी रूप में जो लोग आपके प्राणों की रक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं उनका सम्मान करिए, उनके साथ कॉपरेट करिए। सरकार ने कहा है कि 50 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कोविड-19 की जांच और इसका इलाज करा सकेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने इस बारे में बताया कि वायरस की जांच के लिए अधिकृत निजी प्रयोगशालाएं और इलाज के लिए अस्पताल अब आयुष्मान लाभार्थियों के लिए मुफ्त उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को कोविड-19 से निपटने के लिए प्रमुख भागीदार के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने निजी प्रयोगशाला और अस्पतालों से सक्रिय योगदान करने की अपील की। कोरोना वायरस के फैलने के मद्देनजर सरकार ने स्वास्थ्य जांच किट के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस कदम से महामारी से निपटने में मदद मिलेगी, क्योंकि रोगी की जांच के लिए इस किट की आवश्यकता होती है। इससे पहले इन उत्पादों का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के जारी था। इन उत्पादों को प्रतिबंधित श्रेणी में डालने के बाद किसी भी निर्यातक को देश से बाहर भेजने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। सरकार ने लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए घर में बने मास्क पहनकर निकलें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक परामर्श में लोगों से कहा है कि चेहरे को मास्क से ढककर रखें और खासतौर पर घर से बाहर निकलते समय इसे पहनकर निकलें। परामर्श में कहा गया है कि संक्रमण रोकने के लिए एक दूसरे से दूरी और व्यक्तिगत साफ सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। कुछ देशों में घर में बने मास्क से चेहरा ढकना आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। घर में बने मास्क व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार के मास्क समुदाय को बड़े पैमाने पर सुरक्षित रखने में सहायक होंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भी अपने देशवासियों से कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के प्रयासों के तौर पर नॉन मेडिकल मास्क का प्रयोग करें। इटली में रोम से भारत वापस आए 263 लोगों की 14 दिन के क्वारंटीन के बाद अंतिम सैंपलिंग की गई है। इन्हें नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कैंप में रखा गया है। सैंपलिंग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इटली के मिलान से आए 217 लोगों के पहले बैच की शुक्रवार को 14 दिन के क्वारंटीन के बाद जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसमें दो लोग वो भी थे जिनमें पहले कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। अभी इटली से लौटे 480 लोगों को आईटीबीपी के क्वारंटीन केंद्र में रखा गया है। इस केंद्र में अब तक 42 विदेशी नागरिकों समेत हजारों लोगों को सफलतापूर्वक क्वारंटीन किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने पूरे देश में कोविड-19 की जांच के लिए 200 से अधिक प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है। आईसीएमआर के अनुसार उन जिलों में कोविड-19 की जांच के लिए नए केंद्र स्थापित करने पर विचार किया जाएगा जहां प्रतिदिन 100 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं। मैदानी इलाकों में नजदीकी जांच प्रयोगशाला 250 किलोमीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में 150 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होने की स्थिति में ही नई प्रयोगशाला स्थापित करने पर विचार किया जाएगा। परामर्श में यह भी कहा गया है कि यदि नजदीकी जांच प्रयोगशाला इन मानकों के अनुरूप नहीं है और वहां 100 से अधिक नमूनों की प्रतिदिन जांच नहीं की जा रही है तो इसे बंद कर दिया जाएगा और नई प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी जाएगी। इस बीच आईसीएमआर ने कुछ खास इलाकों में कोरोना वायरस के ज्यादा फैलाव को देखते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए नए प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं। अनुसंधान परिषद ने कहा है कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों की स्वास्थ्य केंद्र में निगरानी की जानी चाहिए और सख्त एहतियात के तौर पर मरीजों को 14 दिनों तक उनके घरों में क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आईसीएमआर ने सारे जांच परिणामों की जानकारी तुरंत इसके पोर्टल पर डालने को कहा है। आकाशवाणी के साथ विशेषज्ञ की बातचीत श्रृंखला के अंतर्गत अब हम आपको कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय सुनवा रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ अनंत मोहन ने लोगों को सलाह दी है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या मलेरिया प्रतिरोधक कोई भी दवाई डॉक्टर के परामर्श के बिना न लें। प्लीज डू नॉट टेक मेडिसिन सच एज एजिथ्रोमाइसिन, अदर एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और अदर एंटी मलेरियल विदाउट अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बाय अ डॉक्टर। डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी सुश्री जेसिंटा गुंजियाल ने सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दिया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र आज रात 9 बजे दीये जलाकर कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए सामूहिक एकता का परिचय देगा। बिजली मंत्रालय ने कहा दीये जलाने के दौरान ग्रिड की स्थिरता के लिए सभी प्रबंध किए गए।
सरकार ने लोगों से घरों से बाहर निकलते समय घर में बने मास्क का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। केंद्र ने 50 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों को कोविड-19 की निशुल्क जांच और इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के दायरे में शामिल किया। सरकार ने घरेलू आवश्यकता को देखते हुए स्वास्थ्य जांच किट के निर्यात पर रोक लगाई और कोविड-19 के खतरे के आकलन के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड किया। बिहार में कल एक और व्यक्ति के कोरोना वायरस से ग्रस्त होने की पुष्टि के बाद कोविड-19 मामलों की संख्या 32 हो गई है। नया मामला 65 वर्षीय एक महिला का है जो हाल ही में इंग्लैंड से लौटी थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुंगेर में जहां 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं सिवान में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, लेकिन दोनों जिलों में संक्रमण का फैलाव अलग अलग तरीके से हुआ है। मुंगेर में लोग स्थानीय संक्रमण का शिकार हुए हैं, वहीं सिवान में जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। इस बीच राज्य के विभिन्न जिलों में तबलीगी जमात के 12 लोगों की पहचान कर उसे आइसोलेशन में भेज दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राजस्थान में त्रिपुरा के 2 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। इन दोनों ने पिछले महीने दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में हिस्सा लिया था। त्रिपुरा के स्वास्थ्य सचिव देवाशीष बासु ने बताया कि दोनों लोगों का राजस्थान में बीकानेर सरकारी अस्पताल में उपचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के बाक्सा नगर से 11 लोगों के एक समूह ने मरकज की जमात में हिस्सा लिया था और उसके बाद राजस्थान में बीकानेर के लिए रवाना हुए थे। राजस्थान में अधिकारियों ने जब इन लोगों की जांच की तो 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। ये दोनों लोग असम के करीमगंज जिले के एक कोविड-19 रोगी के संपर्क में आए थे। गुजरात में पुलिस ने कल 7 और ऐसे लोगों का पता लगाया जिन्होंने पिछले महीने दिल्ली में तबलीगी जमात में भाग लिया था। इसके साथ ही राज्य में अब तक ऐसे 110 लोगों की पहचान हो चुकी है जिन्होंने जमात में हिस्सा लिया था। ये सभी लोग नवसारी जिले के हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा ने बताया कि इन सबकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है जिसके बाद इन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। अहमदाबाद पुलिस द्वारा कल जारी की गई एक अधिसूचना के तहत सभी निजी 2-तिपाई और 4-पाई वाहनों को पूर्णबंदी के दौरान सड़कों पर प्रतिबंधित कर दिया है। शहर के पुलिस आयुक्त आशीष भाटिया ने कहा कि सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने अहमदाबाद नगर निगम ने 5 कंटेनमेंट क्लस्टर्स बनाए हैं जहां से पॉजिटिव केसेस पाए गए थे और इन क्लस्टर्स के सभी घरों को क्वारंटाइन कर दिया है। पुलिस ड्रोन सीसीटीवी के उपयोग से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर निगरानी रख रही है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस काम में स्वयंसेवी संगठन और स्वयंसेवक सरकार को सहयोग कर रहे हैं। हमारे रायपुर संवाददाता विकल्प शुक्ला की एक रिपोर्ट। रेडक्रॉस सोसाइटी ने क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के साथ साथ जरूरतमंद लोगों के लिए भी निशुल्क भोजन की व्यवस्था की है। वहीं दूसरे प्रदेशों के लगभग 50,000 ऐसे लोग जो लॉकडाउन के कारण अपने राज्यों में नहीं लौट पाए हैं, उन्हें स्कूल और सामुदायिक भवनों में ठहराया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि राज्य के ऐसे लोग जिनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है, उनके सैंपल को इकट्ठा करने के लिए मोबाइल एम्बुलेंस की मदद ली जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और बड़वानी जिलों में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद राज्य में इससे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 179 हो गई है। राज्य में कोविड-19 से अब तक 11 लोगों की मौत हुई है और 36 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के बाद कराई जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्पष्ट किया है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं लॉकडाउन समाप्त होने के बाद होंगी। बोर्ड ने कहा कि समय कम होने के कारण सभी विषयों की परीक्षाएं लेना संभव नहीं है, इसलिए केवल उन्हीं विषयों की परीक्षाएं ली जाएंगी जो छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आवश्यक है। जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं होंगी उनके लिए अंक देने की व्यवस्था अलग से निर्धारित की जाएगी। नई परीक्षा तिथियों का निर्धारण लॉकडाउन समाप्त होने के 10 दिन पश्चात किया जाएगा। वहीं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लॉकडाउन की समाप्ति के 3 दिन बाद कर दिया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
तेलंगाना में कल 43 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद राज्य में मामलों की संख्या बढ़कर 272 हो गई है। 33 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में कोविड 19 के 228 सक्रिय मामले हैं। इस बीमारी से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कल जिन 43 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई वे या तो पिछले महीने दिल्ली में तबलीगी जमात में भाग लेकर आए थे या भाग लेने वालों के परिजन या उनके संपर्क में आए लोग हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने धार्मिक प्रमुखों से अपील की है कि वे लोगों को घरों में ही प्रार्थना करने की सलाह दें। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने धार्मिक नेताओं से अपील की है कि वे लोगों को घरों में ही प्रार्थना करने और अपनी यात्रा इतिहास और निजामुद्दीन मरकज में धार्मिक मंडली में भागीदारी की जानकारी प्रशासन को देने की सलाह दें। जम्मू कश्मीर के जन सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक वेबसाइट शुरू की है। सेना ने श्रीनगर और जम्मू में 100 से 200 बिस्तरों वाले 2 अस्पताल कायम करने का फैसला किया है, जबकि रेलवे के डिब्बों को आइसोलेशन के लिए परिवर्तित किया जा रहा है। नसीर राथर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। महाराष्ट्र सरकार कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में आवश्यक प्रशिक्षित श्रम शक्ति तैयार करने के लिए इस सप्ताह राज्यभर में 1.25 लाख आयुष डॉक्टरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य में इस समय करीब 1.5 हजार वेंटिलेटर और 2.5 लाख N95 मास्क उपलब्ध हैं। स्वास्थ्यकर्मी दल सामुदायिक रोकथाम की गतिविधियों के जरिए संक्रमित लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में कल 145 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटों में 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। तमिलनाडु में कल 74 और लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 485 हो गई है। कल 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने घरों के बाहर लोगों की आवाजाही कम करने के लिए खरीदारी की शर्तों को सख्त किया है। आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली अधिकतर दुकानों को दोपहर 1 बजे के बाद बंद करने के लिए कहा गया है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने लोगों से कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को कोई धार्मिक रंग न दें। और अब कोविड 19 से जुड़ी अच्छी खबर। कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी मिलने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक अजीत मिश्रा को संक्रमण से ठीक होने के बाद सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री मिश्रा ने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और सफाईकर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। हम लोग को केयरफुल रहना है, सतर्क रहना है, लेकिन डर के नहीं रहना है। और सतर्क इसलिए भी रहना है कि कोरोना वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। लद्दाख में भी 7 रोगी संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। इन सभी मरीजों के अंतिम 2 नमूनों में संक्रमण नहीं पाए जाने के बाद कल इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लद्दाख में कोविड 19 के कुल 14 मामलों की पुष्टि हुई थी, जिनमें से अब तक 10 रोगी ठीक हो चुके हैं। 4 मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मणिपुर में सैनिटाइजर और मास्क की किल्लत के बीच राज्य के चूड़ाचंद्रपुर जिले के महिला स्वयं सहायता समूहों ने हाथों के सैनिटाइजर और मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया है। मणिपुर में अब तक संक्रमण की पुष्टि वाले 2 मामले सामने आए हैं। पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन संगठन ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर महिला स्वयं सहायता समूहों को जिले में सैनिटाइजर और मास्क बनाने का काम दिया है। केरल में महिलाओं द्वारा संचालित शी टैक्सी लॉकडाउन के दौरान वृद्ध और बीमार व्यक्तियों को सेवाएं उपलब्ध कराएगी। ये सेवा तिरुअनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड में 15 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध होगी। लोग इस सेवा का उपयोग दवाइयां खरीदने और अस्पताल जाने के लिए कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने पूरे शरीर को संक्रमण से मुक्त करने का चैम्बर तैयार किया है। संक्रमण से बचने के लिए व्यक्ति को चैम्बर से गुजरना होता है। सैनिटाइजर और साबुन से युक्त इस चैम्बर को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चैम्बर में प्रवेश करते ही बिजली से चलने वाले पंप हाइपोसोडियम क्लोराइड की फुहार छोड़ते हैं।
ये प्रक्रिया 25 सेकंड तक चलती है। एक बार में लगभग 650 व्यक्ति चैम्बर से गुजरकर संक्रमण मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद टंकियों में दोबारा घोल भरना पड़ता है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को 1 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। सरकार ने कोविड 19 के खिलाफ नागरिकों को एकजुट करने के लिए यह मोबाइल ऐप जारी किया था। इस ऐप के जरिए लोग वायरस के संक्रमण के खतरे को भांप सकेंगे। ये ऐप ब्लूटूथ तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उपयोगकर्ता को संक्रमण या अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने की जानकारी देता है। देश की जानी मानी हस्तियां देशव्यापी लॉकडाउन का समर्थन कर रही हैं। इन लोगों ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए लोगों से घर के अंदर ही रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। अभिनेत्री दीपिका ने इस बारे में लोगों से अनुरोध किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक वीडियो क्लिप के द्वारा हमें संदेश दिया कि इस संडे रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए हम दीप प्रगटाएं और रोशनी करें। वो चाहे आप दिया करें या मोमबत्ती करें, लेकिन रोशनी जरूर करें। मैं जरूर करने वाली हूँ अपने परिवार के साथ, आप भी करिएगा। पश्चिम बंगाल में बाउल गायक भी कोविड 19 की लड़ाई का संदेश गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं ऐसा ही बाउल। ओ भाई रे हो ये ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों पर नवीन सक्सेना के साथ। आज के समाचार पत्रों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान लिखता है लापरवाही के चलते संक्रमण के मामलों का दायरा बढ़ा। अखबार ने सख्ती शीर्षक से लिखा है कि राज्यों ने अपने अपने ढंग से नियम कड़े किए। अमर उजाला ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से लिखा है कि हमें हर रोज लड़ाई लड़नी है, चूक हुई तो हालात होंगे खराब। जनसत्ता ने निजामुद्दीन मरकज प्रमुख मौलाना साद के इस कथन को प्रमुखता दी है कि मरकज खुलने के बाद देंगे जवाब। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है कि कोरोना से जंग में उपकरणों की कमी में सुधार के लिए सरकार ने तैयारियों का आकलन किया। घर पर बने मास्क का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिए जाने और आयुष्मान भारत योजना में कोरोना वायरस की जांच और इलाज को जोड़ा जाना भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। देश के भीतर कोरोना संक्रमितों में 42% रोगी 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। अन्य देशों के बारे में अखबारों में लिखा है कि इटली में 73% से अधिक 51 वर्ष से ज्यादा के लोग और चीन में 97% से ज्यादा 59 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र आज रात 9 बजे दीये जलाकर कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए सामूहिक एकता का परिचय देगा। बिजली मंत्रालय ने कहा कि दीये जलाने के दौरान ग्रिड की स्थिरता के सभी प्रबंध किए गए। सरकार ने लोगों से घरों से बाहर निकलते समय घर में बने मास्क का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। केंद्र ने 50 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों को कोविड 19 की निशुल्क जांच और इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के दायरे में शामिल किया और सरकार ने घरेलू आवश्यकता को देखते हुए स्वास्थ्य जांच किट के निर्यात पर रोक लगाई। इसके साथ ही कोविड 19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।